एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज मंदिर में जाकर कान्हा जी की पूजा किया करता था और वह कान्हा जी को भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करता था। लेकिन उस ब्राह्मण की पत्नी उससे हमेशा चिढ़ी रहती थी, क्योंकि वो ब्राह्मण हर बात में पहले कान्हा जी को याद करता था और सुबह सबसे पहले वो कान्हा जी को ही भोग लगाता था और हमेशा ही, चाहे दिन हो या रात, वो कान्हा जी का नाम लेता रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने घर में कुछ लड्डू बनाए तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कुछ लड्डू लेकर कहा कि ये लड्डू पहले मैं मंदिर में जाकर कान्हा जी को खिलाकर आता हूँ, फिर बाद में हम सब मिलकर खाएंगे। अपने ब्राह्मण पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होकर बोली कि कभी कोई पत्थर की मूर्ति भी भला लड्डू खा सकती है जो तुम रोज सवेरे उस तुम्हारे कान्हा को खाना खिला खिला कर आते हो। आज तुम ये लड्डू बिना कान्हा की मूर्ति को खिलाए घर में वापस मत आना। अगर कान्हा की मूर्ति को बिना लड्डू खिलाए वापस आए तो भूल जाना कि अपने उस कान्हा को अब मैं भी देखती हूँ कि ये लड्डू वो मूर्ति कैसे खाती है। पत्नी की ऐसी बात सुनकर वो ब्राह्मण आंखों में आंसू लिए लड्डुओं की थाली लेकर अपने कान्हा के मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर में पहुंचकर वो कान्हा जी की मूर्ति के आगे लड्डुओं की थाली रख कर रोता हुआ कहता है कि कान्हा, आज तुम मेरे सामने ही ये सारे लड्डू खाओगे, आज कृपया करके तुम मेरी लाज रख लेना। कान्हा जी, लेकिन अब तो कान्हा जी के आगे लड्डुओं की थाली रखे हुए बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने वो लड्डू अब तक नहीं खाए थे और उस वक्त मंदिर में भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। अब तो शाम हो चुकी थी मगर कान्हा जी लड्डू खाने अब तक नहीं आए। तब गुस्से में उस ब्राह्मण ने कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा कि कान्हा, मेरी पत्नी ने बिल्कुल सही कहा था कि पत्थर कभी प्रसाद नहीं खा सकते, मगर मैं ही पागल था जो तुम्हें रोज अपने आप से पहले खाना खिलाने आता था। और ये कहकर वो लड्डुओं की थाली लेकर घर जाने लगा। तभी रास्ते में उस ब्राह्मण के सामने एक पुराने कपड़े पहनी एक बड़ी आंखों वाला सुंदर सा बालक खड़ा होकर कहता है कि जरा रुको ब्राह्मण, मुझे एक लड्डू तो देते जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वो ब्राह्मण उस बालक को लड्डू देने से मना करके आगे जाने लगता है तो वो बालक पीछे से जैसे ही उस ब्राह्मण के लड्डू की थाली उछल कर पकड़ने की कोशिश करता है तो अचानक उस ब्राह्मण के हाथों से वो लड्डुओं की थाली नीचे मिट्टी में गिर जाती है और वो सारे लड्डू भी नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। तभी वो ब्राह्मण उस बालक से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सारे लड्डू मिट्टी में गिर गए, अब तुम ही खा लो ये सारे लड्डू। मगर ये क्या, वो बालक तो नीचे मिट्टी में से लड्डू उठाकर खाने लगा और ये क्या, देखते देखते मिट्टी में गिरे सारे लड्डू खा गया और सारे लड्डू खाने के बाद उस ब्राह्मण से और लड्डू मांगने लगा और लड्डू मांगते मांगते वह बालक उस ब्राह्मण के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। तभी उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे पूछा कि ये किस बालक को अपने साथ लेकर के आए हो, तो ब्राह्मण उसे बताता है कि इसकी वजह से ही मेरे सारे थाली के लड्डू मिट्टी में गिर गए और उन सारे लड्डुओं को खाने के बावजूद भी ये मुझसे और लड्डू मांग रहा है। ये सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ने उस बड़ी आंखों वाले बालक को अपने घर से भगा दिया। तभी वो बालक ये कहता हुआ ब्राह्मण के घर से चला गया कि कभी तो तुम मुझे लड्डू खाने के लिए बुलाते हो और अभी मुझे अपने घर से ही भगा रहे हो। ये सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अरे जाओ यहाँ से तुम, जैसों को भला हम लड्डू खाने क्यों बुलाएंगे। ये सुनते ही वो बड़ी आंखों वाला बालक वहाँ से चला जाता है। और उधर ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को यह कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे वो कान्हा की पत्थर की मूर्ति लड्डू नहीं खाएगी, अब भूल जाओ उस कान्हा को और आज के बाद जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ तुम सही कह रही थी, कान्हा झूठा है,
और मैं आज के बाद कभी भी उसकी पूजा करने मंदिर नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो रोता हुआ अपने कमरे में जाकर सो गया। अब आधी रात हो चुकी थी और ब्राह्मण व उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक उन दोनों को उसी बड़ी आंखों वाले बालक का सपना आया जो पिछले दिन उनके घर लड्डू मांगने आया था। लेकिन ये क्या, उसने अचानक ही श्री कान्हा जी का रूप ले लिया और सपने में उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैया बाबा आपने कल मुझे लड्डू क्यों नहीं खिलाए? और बाबा आप मंदिर में मुझे जब लड्डू खिलाने आए थे तो मंदिर में उस समय बहुत भीड़ थी इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन जब आपको मैं रास्ते में मिलने आया और आपसे लड्डू मांगे तो आपने मुझे लड्डू क्यों नहीं दिए? बाबा उस समय मुझे बहुत भूख लगी थी बाबा। और फिर जब वो लड्डुओं की थाली नीचे मिट्टी में गिर गई तो मुझे मिट्टी में लगे हुए लड्डू खाने पड़े और मेरे मुंह में सारी मिट्टी लग गई। बाबा कान्हा की ये बात सुनकर ब्राह्मण सपने में बहुत फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको वो मिट्टी में लगे हुए लड्डू खाने पड़े और मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। तभी ब्राह्मण की पत्नी भी रोने लगी और कान्हा जी से कहने लगी कि प्रभु सारी गलती तो मेरी है, मुझे कभी भगवान में विश्वास ही नहीं था कान्हा, इसीलिए मैं अपने पति को हमेशा मंदिर जाने के लिए मना ही करती थी। लेकिन काला कल मैंने आपको अपने घर से जाने को कहा और फिर भी आपने मुझे इतने प्यार और इतने सुंदर दर्शन दिए, इसलिए मैं अब हर जन्म के लिए आपकी आभारी हो चुकी हूँ कान्हा जी, और अब मैं भी सदा आपकी पूजा करूँगी, सेवा करूँगी। तभी कान्हा जी ने कहा कि तुम दोनों हमेशा तुम्हारे घर आए किसी गरीब को कुछ दिए बिना या कुछ खिलाए बिना कभी मत भगाना, और तुम्हारे पास उस समय कुछ भी ना हो तो तुम कभी उसका अपमान मत करना और हमेशा ही गरीबों की भलाई करना। तुम दोनों ये सब करोगे तो समझो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। हाँ मैया, बाबा मुझे प्रेम करना, तुम भूल मत जाना, बस मैं आपके प्रेम का ही भूखा हूँ। यह कहकर कान्हा जी चले जाते हैं और जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह उठते हैं तो कान्हा जी के दर्शन से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका जीवन कान्हा जी के दर्शन से धन्य हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानियों का ढाबा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।